हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ, बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो इस डिजाइन को बहुत इजीली और बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 के गुने में फंदे लेने हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, और इसमें क्या कहते हैं आपको 3 फंदा एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है, 4 के गुने में फंदे लीजिएगा, 3 फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। और ये जो डिजाइन है आपका सीधी तरफ से स्टार्ट होगा, फ्रंट साइड से हम इसे स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 4 सिलाइयों में ये बुनाई डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। जो 4 सिलाइयाँ आपको बताऊंगी बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी रो, एक भी सिलाई स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो डिजाइन समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए, मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ, पहला फंदा मैं एज स्टिच का ऐसे सीधा बना लूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखो, ये 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं, उससे पहले हमें इन्हें ट्विस्ट करना है। तो एक फंदा हम ऐसे ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, ये देखो। अब ये वाला जो फंदा है हमने जैसे पकड़ा है, इसको हम ऐसे आगे ले आएंगे। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3। ये देखो, हमने ये 4 फंदे जैसे बनाए हैं एज स्टिच को छोड़कर, आगे भी यही रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब देखो यहाँ पे ये 3रा फंदा पकड़ेंगे, इसको उठा के ऐसे ये ऐसे लेके आएंगे, ऐसे रखेंगे, 1 2 और ये 3, हो गया। धागा अपनी तरफ, एक फंदा पकड़ेंगे, धागा पीछे। फिर देखो ऐसे पकड़ा, एक फंदा उल्टा बना के, देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये ऐसे ऐसे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा और बाकी एक फंदा सीधा। पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, सेकंड रो पे आगे रॉन्ग साइड से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। एज स्टिच को छोड़कर ये जो 4 फंदे बनाए यही रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3। एक फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब देखो पैटर्न की रो नंबर 3 पर आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा, सीधी तरफ से है। पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा बना लेंगे उल्टा, धागा पीछे। देखो गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, देखो मेरा बेबी कैसे मुझे झांक के देख रहा है। बेबी, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, देखो मैंने गेट बंद किया हुआ है, पीछे जो कबाड़ा रखा है उसको इग्नोर कीजिएगा। काइंड ऑफ हेलो, उसे सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर डोर बंद है ना, ऐसे मुझे देख रहा है झांक के। देखो वापस आ जाएंगे हम यहाँ पे ऐसे। तो अभी हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो रो 3 पर कि ये सामने खड़ा हुआ है ना, तो मुझे डाइवर्ट कर रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इनसे कभी बच्चों को अकेले नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन आज संडे है ना, तो इनके पापा घर पे हैं, इसलिए मैंने बाहर रखा। इनके पापा भी बाहर हैं साइड से, वो भी इनको केयर कर रहे हैं। तो अभी देखिए क्या करेंगे, ये जो पहले हमने ये 3रा फंदा आगे लाई थी, अब हम यही वाला पहला फंदा इधर आगे लाएंगे। तो क्या करेंगे, इन 2 फंदों को हम पीछे से ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे ले आएंगे ट्विस्ट करके, ऐसे। अब इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3, ये
धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब उसको पता चल गया कि मैं यहाँ हूं ना, तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा, यही खड़ा रहेगा। अभी दूसरा भी आ जाएगा, जब दोनों आएंगे ना तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। मेरे ना एक्चुअली ट्विंस हैं, दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, दिखाऊंगी आपको अभी। अब देखो फिर से ये दो फंदे ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और इसको ऐसे ले लेंगे, वन और टू। हम तीन फंदों को सीधा, वन टू थ्री, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये दो फंदे हम फिर से पकड़ेंगे ऐसे, से ऐसे ले लेंगे, वन टू थ्री, फिर एक फंदा उल्टा लेंगे, ऐसे करेंगे। फिर से देखो यहाँ पे ये दो फंदे हम ऐसे पकड़ लेंगे, ये ऐसे, वन टू और ये थ्री, एक फंदा उल्टा और एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम आ गए अपनी रो नंबर फोर पर। पहला फंदा हम देखो ऐसे स्लिप कर देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, वन टू थ्री, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देखिएगा जरूर। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा जैसे इस चैनल को दिया है। ये देखिए इस तरह से हमने ये चार सिलाइयाँ बना ली। ये चार सिलाइयाँ जब आप और ज़्यादा फंदों पर बनाएंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देगा। ऐसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स, लेडीज, स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह ये आपका काम आएगा। तो आप इसे ट्राई जरूर कर सकते हैं। अपने जो है कमेंट्स है मुझे अपने एक्सपीरियंस जो है मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है, तो शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइज आप लोग देखना चाहते हैं मैं वीडियो शूट कैसे करती हूँ, आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कैसे कर रही हूँ। देखो एक छोटी सी ये टेबल है प्लास्टिक की, ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, ये देखो इस तरह से ये आपका इनकम्प्लीट आता है, इसको मैं, ये ऐसा है फ्लावर पॉट, इसको मैं इस तरह से रख लेती हूँ तो, और इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पैटर्न जो है सब कुछ लिखा रहता है, मेरा जो स्क्रिप्ट होता है, और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा पिटारा है, ये देखिए ये, इसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत होती है, तो वो जस्ट मेरे यहाँ पे रहती है बगल में, ठीक है। और ये मेरा माइक वक का जो भी है वो ये यहाँ रहता है मेरा, और बाकी इस रूम में बहुत कुछ है शूट के लिए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं, मेरे जो है ना चार पाँच चैनल हैं, तो एक चैनल मेरा जो मेकअप का है जिसमें मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो उसका भी सेटअप मैं आपको दिखाऊंगी कुछ कुछ। चलो मैं दिखा देती हूँ, देखो इस तरह से मेरा सेट, देखो मेरे बच्चों की साइकिल भी यहीं रहती है, एक बड़ा ट्राईपॉड है, ये देखो उसका सेटअप है मेरे पास, ये रखा हुआ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा उसी का सेटअप है मेरा, ये यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। हेलो, ये थोड़ा सा भी दिवाली की सफाई हुई थी ना, तो इसमें थोड़ा सा कबाड़ा निकला था, ये मैं जल्दी हटाने वाली हूँ। तो इस चीज, ये जो आपको छोटी सी वॉल दिख रही है, इसको मैं रील्स या शॉर्ट्स बनाने के लिए डेकोर करूंगी, है ना, तो आपको आगे अपडेट दूंगी। मेरा जो मेकअप वाला चैनल है उस पर मैं ब्लॉगिंग टाइप पे डालती हूँ, तो उसे मैं बताऊंगी आपको, देखो बेबी मेरा कैसे कर रहा है इस तरह से। देखो दूसरा भी आ गया, ये देखो दोनों बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों ट्विंस हैं,
तो चलो मैं अपना बैक जो बैकग्राउंड है फिर से दिखा देती हूँ आपको, मतलब सेट कर लेती हूँ। जैसे मैं अपने निटिंग चाहे इसको मैं हाफ लाती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो चलिए फिर शेयर कीजिएगा वीडियो को, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने एक्सपीरियंस और ये जो मैंने आपको छोटा सा ब्लॉग दिखाया है, ब्लॉग टाइप से दिखाया है, ये आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर, ठीक है। फिर मैं आगे और भी कुछ बीच बीच में ब्लॉगिंग टाइप से थोड़ा थोड़ा डालती रहूंगी, आप लोगों का इंटरेस्ट जो है बना रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।